हेलो दोस्तों, देखिएगा आज हम अपने व्यूवर्स कृष्णा कुमारी जी के कहने पर ये ब्लाउज की कटिंग करेंगे। दोस्तों इनका जो मेजरमेंट है जिस हिसाब से आया है, इनकी जो लंबाई है 15 इंच की लंबाई है, फुल चेस्ट जो है 39 इंच है दोस्तों, अपर चेस्ट 37 इंच है। उस हिसाब से इनका मेन चेस्ट होना चाहिए 38 इंच, कमर है जो दोस्तों 33 इंच है, आस्तीन की जो लंबाई है 9 इंच की, मोहरी 12 इंच की, उनका आर्मोल है जो 18 इंच का, पीछे का गला 8 इंच का, आगे का गला 7 इंच का है दोस्तों। उसके हिसाब से दोस्तों हम बैक पल्ला पहले कट करेंगे। बैक पल्ला उसी तरह कट करेंगे दोस्तों जिस तरीके से नई टेक्निक से हमने ब्लाउज काटना आप लोगों को बैक पल्ले का बताया था। तो दोस्तों उसके लिए हम पहले इस कपड़े को थोड़ा सा जमा लेते हैं, फिर देखिएगा इसके लिए हम एक ऐसा रद्दी पेपर लेंगे, दिखेगा। तो दोस्तों जो इनकी जो लंबाई है उस हिसाब से ये जो पेपर है ना दोस्तों, ऐसा चौकोन रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा ये जो लंबाई है दोस्तों, अपनी जो 15 इंच की जो लंबाई थी तो 1 इंच बढ़ाकर हमने 16 इंच में निशान लगाया। वैसे दोस्तों जो आर्मोल जो है ये अभी 6.5 इंच में उतारेंगे, क्योंकि शोल्डर जो इनका 14 इंच है उसका आधा 7, उसका आधा इंच कम करके 6.5 में हम लगाएंगे। वैसे दोस्तों देखिएगा जो शोल्डर का हमने ऐसा निशान लगा लिया, यहाँ से चेस्ट लाइन निकलेगा जहाँ से हमने आर्मोल का निशान लगाया। वैसे दोस्तों देखिएगा अभी जो शोल्डर है इनका 14 इंच शोल्डर है, तो हमने 7 का 7.5 इंच में निशान लगाकर, देखिएगा 7.5 में हमने निशान लगाया है। वैसे यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे दोस्तों, अभी चेस्ट का निशान नहीं लगाएंगे, अब हम कमर का निशान लगा लेते हैं दोस्तों। कमर जो 33 इंच अपनी कमर थी देखिएगा, तो उसका 34 से 8.25 इंच होगा। तो दोस्तों जो है डॉट पॉइंट जो है 4 इंच में हम लगाएंगे, देखिएगा दोस्तों डॉट पॉइंट 4 इंच में हम लगाएंगे। वैसे ऊपर से जो डॉट जो इसका रहेगा दोस्तों ये 10 इंच में, तो हम 10.5 इंच में हम निशान लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देखिए दोस्तों 4 इंच, यहाँ से 4 इंच दोस्तों, देखिए कैसा लाइन खींच लिया हमने, ठीक है दोस्तों। वैसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ये जो है 38 और ये जो है 33 इंच इनकी कमर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा शोल्डर से नीचे 2 इंच पे हमने एक पॉइंट लगाया, और वहाँ से जो डॉट पॉइंट है उसको ले जाके मिला दिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको पहले एक काम करते हैं, कट कर लेते हैं, और यहाँ से भी इतना काटेंगे कि वहाँ से आधा इंच कम तक है ना, और वहाँ से पेपर को ऐसा घुमाएंगे हम, देखिएगा, और नीचे जो अपने को डॉट का जो मार्जिन निकालनी है 1 इंच की, उसको निकालते हुए देखिएगा यहाँ पर इसको आप पिनअप कर लेते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ से जो स्केल खींच के देखेंगे, जहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है वहीं से इनका शोल्डर तैयार बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेते, देखो 9.5 इंच अपने को 38 इंच चेस्ट के अनुसार, ठीक है। अब इसको देखो आर्मोल का भी हम निशान लगा लेते हैं, देखिएगा, ठीक है। कमर का भी हम निशान लगा लेते हैं दोस्तों, देखिएगा ऐसा, ठीक है। अपनी डॉट की तो मार्जिन ऑटोमेटिक आ गई अपनी। अब इसको शोल्डर जो दोस्तों देखो 10.5 इंच का बना है, तो हम 3 इंच का शोल्डर रख के बाकी गला बना लेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसमें 2.25 इंच का शोल्डर तैयार आएगा और बाकी का अपना गला हो गया। वहाँ से हम इस सीधा गले का भी निशान लगा लेते हैं दोस्तों, देखिएगा इसको कट कर लेते हैं, देखो दोस्तों इसको पेपर अपनी कटिंग तो हो गई। अब इसको कपड़े में हम डायरेक्ट ऐसा जमाते हैं दोस्तों, इस कटिंग से ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, देखिएगा। आप लोग ऐसा अगर पेपर कटिंग कर कर अगर बैक पल्ला काटते हैं ना, तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखो ऐसा निशान लगा लेंगे हम, ठीक है दोस्तों, डॉट का भी निशान लगा लिए, गहराई का भी निशान लगा लेते हैं, देखो शोल्डर का भी निशान लगा लेते हैं, आर्मोल का भी निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये चेस्ट का निशान लगा लिया, मार्जिन का दोस्तों देखो इसको अब क्या करते हैं, करते हैं
ठीक है दोस्तों, ये पहले निशान लगा लेते हैं डॉट का भी। देखिएगा ये सिलाई का निशान हो गया, ये अपनी मार्जिन का निशान हो गया, ये गले का निशान हो गया। दोस्तों गला जो अपना 8 इंच का गला है, गले का निशान लगा लेते हैं। देखिएगा ऐसा 8 इंच पर ऐसा निशान लगा कर, देखिएगा ऐसा बॉक्स बना कर आर्मोल का भी हम ऐसा निशान लगा लेते हैं। देखिए आर्मोल का भी अपना निशान लग गया है, ये लिख लेते हैं 38 और 33। देखो दोस्तों अपना इतना निशान लगने पर ये गले का आप जो भी शेप दे सकते हैं, अभी मैंने राउंड शेप का निशान लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये कमर का काट लेते हैं दोस्तों उसको। देखो दोस्तों ये अपना कट तो हो गया, इसको थोड़ा सा आयरन से अच्छे से दबा लेते हैं। अब इसका अपना आगे का पल्ला अपने को काटना है, तो इसके लिए हम कपड़ा जमाएंगे, कपड़ा किनारी वाला कपड़ा अपने तब लेंगे क्योंकि आगे हुक वाला ब्लाउज हम काट रहे हैं। तो देखिएगा कपड़ा जमाते हैं, इसको थोड़ा प्रेस कर लेते हैं, आयरन करने से कपड़ा थोड़ा सा अच्छा रहता है दोस्तों, जमा हुआ रहता है। और ये किनारी वाले से अपने तब रख कर देखिएगा बैक पल्ले को इसका जो दोस्तों, देखिएगा इसको ऐसा ऊपर अच्छे से जमाते हैं पहले। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हुक की पट्टी के लिए आधा इंच छोड़ रहे हैं अपन, और नीचे जो है ना दोस्तों 1.25 से 1.5 इंच अपन एक्स्ट्रा रखेंगे दोस्तों, है ना। और उसको क्या करेंगे, पहले जो बैक पल्ले का डॉट पॉइंट है ना दोस्तों, उसको दबा लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि परफेक्ट कटिंग करनी है अगर अपने को, तो उसको हम जमा लेते हैं, कहीं छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऐसा जमा लेते हैं पहले। फिर देखिएगा दोस्तों नीचे में दोस्तों 1.25 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए, और साइड में दोस्तों 3 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, 3 इंच एक्स्ट्रा इधर, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख कर दोस्तों इसको है ना बाकी हर जगह से बिछा के काट लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ को भी काट लेते हैं अपन। देखो दोस्तों ये अपना कट हो गया, इसको पॉइंट लगा लेते हैं गले का, क्योंकि आगे पीछे का गला तो एक ही जैसा निकलेगा। ठीक है, इसको अभी हम उठा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हुक आई के लिए हम पहले निशान लगा लेते हैं, जो हुक आई की जो मार्जिन थी हम निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, ये गले का भी हम निशान लगा लेते हैं, ये आर्मोल का भी हम निशान लगा लेते हैं। देखिएगा कैसा हमने आर्मोल का निशान लगाया है दोस्तों। गला जो है आगे का इनका 7 इंच का गला है, तो 7 इंच का गला है, देखिएगा ऐसा बॉक्स बनाकर वैसे एक कॉर्ड स्केल की मदद से, देखिए सामने राउंड ही गला अधिकतर चलता है, ऐसा शेप दे देंगे। देखो दोस्तों, और ये आर्मोल का निशान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो जो चेस्ट का जो सेंटर है ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बॉडी नापेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिएगा ये जो है ना इनका 10 इंच में होना चाहिए, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जो साइड से दोस्तों 38 का साइज है, तो हम इसको 4 इंच में रखेंगे, तो 4.5 में हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर भी हम 4.5 में निशान लगाएंगे दोस्तों, है ना। प्रिंसेस कट ब्लाउज सामने ज्वाइंट आएगा इसमें, देखिएगा तो 1/2 इंच हम बढ़ाकर 4.5 में लगाएं, और ये जो आर्मोल का जो सेंटर है वहां पर ले जाकर दोस्तों इसको ऐसा शेप दे देंगे। देखिए दोस्तों कैसा शेप है, देखिए दोस्तों कितना आप यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, 2 इंच यहाँ पर लेकर यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे, और यहाँ से देखिएगा दोस्तों कैसा शेप देंगे दोस्तों। देखिएगा ऐसा सुंदर सा शेप निकलना चाहिए दोस्तों, देखिए ये ऐसा, देखिए दोस्तों ध्यान से ऐसा निशान निकलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर भी अपने को एक डॉट पॉइंट लगाना है, जो यहाँ से 1/2 इंच नीचे, ठीक है 1/2 इंच नीचे, और टोटल 1/2 इंच का टक्स है ना, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, ये अपना गला सब चीज़ हो गया दोस्तों। इसको अब कट करते हैं हम, यहाँ थोड़ा आसानी से कैंची चलाएंगे दोस्तों, क्योंकि राउंड शेप निकलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी काट लेते हैं, इसको यहाँ पॉइंट लगा लेंगे दोस्तों, है ना। ये दोनों जो सेंटर है, देखिएगा जो सिलाई जब होती है दोनों एक के ऊपर एक आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये गला भी कट गया अपना। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, बैक पल्ले के ऊपर जमा कर देखते हैं। देखो दोस्तों बैक पल्ले के ऊपर ऐसा जमाएंगे,
देखो दोस्तों, हुकाई पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा जो निकला था आधा इंच अपना बाहर दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है दोस्तों, देखिएगा तो जमाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो डॉट के लिए हमने आधा इंच जो एक्स्ट्रा दिया है उसको रख कर बाकी छाट के निकाल लेंगे। देखिएगा दोस्तों, ज़्यादा नाप झोंक नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट कर फिर निकाल देते हैं। ऐसा काट के निकाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा, अब अपना जो ये साइड की जो चोली है, देखो दोस्तों जो साइड की चोली है उसको ऐसा जमा कर देखेंगे। देखिएगा जो सेंटर हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से उंगलियों से जमा जमा कर देखेंगे कि देखिएगा ये सही है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसको काट के निकालेंगे, ठीक है। अब इधर तरफ भी आर्मोल की तरफ देखिएगा, वैसी उंगलियों से जमा कर देखिएगा तो ये यहाँ पर देखिएगा ऐसा पॉइंट उंगली से इसको ऐसा पलटी कर देंगे। देखो दोस्तों, देखो उसको पलटी करके जितनी अपने को मार्जिन दबाव लेना है इसको अपने तरफ ऐसा घुमाएंगे। देखो दोस्तों, घुमा के इसकी जो गहराई है अपने को निकालना है। बॉक्स अपना पना हुआ है, देखिएगा ऐसा राउंड शेप कॉर स्केल की मदद से ऐसा शेप दे देंगे। देखो दोस्तों यहाँ का शेप बहुत सुंदर निकलना चाहिए, उससे आर्मोल की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कहीं सल नहीं आएगा, कहीं झोल नहीं आएगा। इसका पॉइंट लगा लेते हैं चेस का भी। देखो दोस्तों, इसको अब इसको क्या करते हैं, अपने तरफ ऐसा घुमाएंगे और नीचे का जो दोस्तों ये साइड तरफ का अपने को जो कमर की जो लंबाई है और कमर की चौड़ाई है उसको मिलाना है। तो अपन ने यहाँ पर 4 इंच रखा था तो 4 इंच यहाँ उठा के टोटल अपने को 8.25, क्योंकि 33 इंच कमर है दोस्तों, तो 8.25 में ऐसा निशान लगाकर अपने को चेस्ट से निशान से उसको मिला देने का। यहाँ ये अपनी फिटिंग का निशान है दोस्तों, है ना, इसके ऊपर अपनी सिलाई होगी। देखिएगा ध्यान से, और ये जो नीचे की जो लंबाई एक्स्ट्रा है ना दोस्तों, जो हमने 1.5 इंच रखा था उसको अभी हम यहाँ से ऐसा छाट कर निकाल देंगे। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो नीचे अपना जो ऐसा शेप जो दिखता है ना, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिएगा ये ऐसा निकल गया दोस्तों। इसके बाद हम इसकी आस्तीन काटेंगे। देखिएगा आस्तीन के लिए कपड़ा जमा लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आधा इंच जो नीचे दबाने के लिए जो अपन देते हैं एक्स्ट्रा, उतना रख कर देखिए आस्तीन की जो लंबाई है 9 इंच की आस्तीन की लंबाई है, आधा इंच छोड़ दिए दबाव के लिए, वहाँ से 3.5 इंच दोस्तों, है ना, और एक ऐसा सीधा लंबा लाइन देंगे दोस्तों। देखिएगा मोहरी 12 इंच है और यहाँ का आर्मोल इनका 15 इंच का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का नाप इनका है नहीं। यहाँ पर 15 इंच में निशान लगाएंगे, यहाँ पर 12 इंच में निशान लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से ऐसा सिलाई का निशान लगा देंगे दोस्तों। देखिएगा कॉरिड की उसकी मदद से ऐसा शेप दे देंगे दोस्तों। ये अपना मार्जिन का निशान हो गया दोस्तों। देखिएगा मैं आप लोगों को आर्मोल नाप के बता रहा हूँ, इनका 18 इंच का आर्मोल है दोस्तों। देखिएगा गौर से, देखो 9 इंच आ रहा है, मतलब 18 इंच है ना दोस्तों। ये ऐसा आना चाहिए, जब इसकी मेजरमेंट के अनुसार ये शेप आएगा। देखो दोस्तों, इसको कट कर लेते हैं। इसको कट करने के बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे, ब्लाउज पर जमा कर देखेंगे कि आर्मोल बॉडी का और आस्तीन का दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यही मेन एक ज़रूरी पॉइंट रहता है ब्लाउज की फिटिंग के लिए। और देखिएगा अगर ब्लाउज का आर्मोल छोटा होगा तो नीचे उसको काट सकते हैं। देखिएगा पहले सब पॉइंट लगाते हैं पहले। देखिएगा ये जो अपना आर्मोल है एकदम सही जमा है दोस्तों। देखिएगा आस्तीन चढ़ाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ये बिल्कुल सही आएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। उसको आगे की गहराई हम निकाल लेते हैं। आगे की गहराई निकालने का भी वही है दोस्तों, पहले कैंची नीचे चलेगी फिर ऊपर चलेगी, फिर देखो दोस्तों ऐसा जमा के देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।